जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी मिल रहा है, वो सब कर्मों के बदौलत प्राप्त होता है, कर्मों के सहारे प्राप्त होता है। अब जब सब चीज कर्मों के सहारे प्राप्त होती है, तो फिर इसके लिए किसी के पास जाके ये कहना कि हमारे भाग्य बदल दो, इसकी तो जरूरत है नहीं। क्योंकि जब हमारे कर्मों का लिखा मिलना है, तो किसी को जाके क्यों कहें कि भैया हमारा भाग्य, हमारी किस्मत बदल दो, क्योंकि हमको पता है ये लिखने वाला भाग्य हम ही थे, हमने ही लिखा, हमने जो लिखा हम उसका भुगतान करेंगे। कष्ट लिखोगे किसी के जीवन में, कांटे लिखोगे, तो तुमको कांटे ही मिलेंगे, फूलों की आशा मत करना। कष्ट दोगे तो कष्ट ही पाओगे। इंसान को कष्ट दोगे तो कष्ट पाओगे, जीवों को कष्ट दोगे तो कष्ट पाओगे। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं किस ओर इशारा कर रही हूं? जीवों को कष्ट दोगे तो कष्ट घूम करके कहां आएगा? पड़ोसी पे थोड़ी आएगा, हमारे ऊपर आएगा। पशुओं को मारोगे, जीवों की हत्या करोगे, तो पड़ोसी थोड़ी भुगतेंगे, हम ही भुगतेंगे। इसलिए किसी को भी कष्ट देने से पहले 100 बार सोच लो। आम का पेड़ बोने से आम मिलेंगे, कांटे का पेड़ बोगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम की आशा मत करना। जब हम किसी को कष्ट देते हैं, तब तो बड़े हम मौज में रहते हैं, हम बड़े अपने आप को शक्तिशाली समझते, बलवान समझते, हम बलवान हैं, हम कुछ भी कर सकते, हमारा अधिकार है। पर फिर जब वो घूम करके आएगा ऊपर, तब फिर रोते रोते बोलेंगे, हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान बोलते, तेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों तूने किया है तो भुगत अब अपने आप। तूने किया, तूने कष्ट दिया, तो उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी तरीके से किसी प्राणी मात्र को कष्ट मत देना, जीवों को कष्ट मत देना, पशु पक्षियों को कष्ट मत देना। खाने के लिए, पहनने के लिए पशुओं को मारना, तो बताओ अगर ऐसा काम इंसान करता तो उसमें और राक्षस में कोई अंतर मिलेगा? ये काम तो दैत्य करते हैं कि भाई अपने भोजन भक्षण के लिए गए जाकर के जंगल में पशुओं को मार दिया, खा लिया। इंसानों का धर्म थोड़ी है ये। बोले नहीं नहीं आपको नहीं पता, आपने पढ़ा नहीं क्या? पहले इंसान जंगल में रहता था, यही काट काट के खाता था, पशुओं को खाता था, ये तो हमारी पुरानी परंपरा। अरे भैया तब के समय में और अब के समय में युग का फर्क है, कितने हजार साल बीत गए उन बातों को। तब लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, बुद्धि नहीं थी कि भाई अन्न भी खा सकते हैं। आज तुम्हारे पास क्या वैरायटी नहीं है बताओ, खाने के लिए क्या नहीं दिया भगवान ने? उसके बाद भी अगर तुम किसी के प्राणों का हरण कर रहे हो, तो फिर अपने कर्मों की गारंटी खुद ही लेना। फिर जब कौड़े और डंडे पड़े, भगवान की मार पड़े, तो फिर रोना मत। जीवों पर, प्राणियों पर उनके दया का भाव रखना चाहिए। आज के समय में लोगों में इंसान तो खैर है ही नहीं, प्राणी जीव मात्र किसी के प्रति भी दया नहीं। प्राणी मर रहे हैं, जीव मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, गाय मर रही है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। आहार शुद्ध रखो, अपना जीवन शुद्ध रखो। अच्छा अब क्या होता है, लोग एक कई बार हमारे महाप्रभु का उदाहरण देते हैं। महाप्रभु आप सब तो परिचित हैं, आप सबको तो बताने की आवश्यकता नहीं, बंगाल की भूमि से आप। महाप्रभु का उदाहरण देते हैं कि जब महाप्रभु आए तो उन्होंने बोला कि बंगला भाषी जो क्षेत्र था उसमें मांसाहार बहुत चलता था, तो बड़ा लोग, तो महाप्रभु ने क्या किया? बोलते महाप्रभु ने कहा कि
जो हरि नाम करेगा, हरि नाम संकीर्तन करेगा, महाप्रभु बोलते उसके घर जा जा के हम देंगे, तो उसके लालच में सब लोग हरि नाम करने लगे। ये कोई बात है? ऐसा कभी महाप्रभु कर सकते? हाँ, हो सकता कोई उदाहरण ऐसा कि उन्होंने ये कहा कि भाई तुम खा भी रहे हो तो भी हरि नाम तो शुरू करो, कम से कम हरि नाम करोगे तो तुम्हारा ये सब छूट जाएगा। पर ये क्या बात हुई कि महाप्रभु बोलते जो हरि नाम करेगा उसको हम जा करके ये खिलाएंगे? किसकी बात कर रहे हो आप? महाप्रभु की बात कर रहे हो? जीव जिनका अवतारी करुणा के लिए हुआ है। आजा अनुलंबित भुजौ कनकावदातौ, वो महाप्रभु किसी को प्राणी को मारने का कभी आज्ञा दे सकते? कभी नहीं दे सकते। इसलिए उनका नाम ले ले करके अपना बचाव मत किया करो, उनका नाम ले ले करके अपने आड़े मत लाए करो। महाप्रभु ने कहा जीवन को शुद्ध करना है तो अपना आहार शुद्ध रखो, जीवन में हरि नाम करो। ये दो चीज महाप्रभु की विशेष आज्ञा है। ये जो मान लेगा उसको अपने आप हरि कृपा मिलेगी, उसे अपने आप श्री गौर की कृपा मिलेगी। उसको कुछ कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, महाप्रभु की धरती से जुड़े तो हो कैसे भी, भले कहीं भी रहो, उड़ीसा रहो, मलकानगिरी रहो, पर जब भी कोई पूछेगा कौन हो, कहाँ से हो, तो बड़े गर्व से कहोगे हम बंगलावासी, हम बंगाल की धरती से हमारी जड़ें जुड़ी हैं, उस धरती से जहाँ जिस धरती ने इस संसार में हरि नाम की हवा लहर चलाई, वो है महाप्रभु, बंगाल की धरती। कौन जानता था हरि नाम इस स्तर पर? कौन जानता था? करते थे, भगवान के प्रेमी करते थे, पर जन जन में जिन जिनका जीवन पाप में डूबा हुआ था, उन लोगों को पाप से निकाल करके महाप्रभु ने गली गली में, जंगल जंगल में, जंगल के पशुओं को हरिनाम संकीर्तन पे नचा दिया। जंगल का शेर, जंगल का बाघ, जंगल के हिरन, जंगल के मोर एक झुंड बना करके महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण हरि बोल करके नाचते थे। ये कौन कर सकता है? है किसी में शक्ति? भगवान ही अवतार लेकर के ये करने आए हैं। महाप्रभु ने कहा देखो, कृष्ण भगवान ने जो किया वो आप नहीं कर सकते, भगवान राम ने जो किया वो कर तो सकते हो पर करते नहीं, कर नहीं पाते क्योंकि इतना कौन कर पाए। पर फिर भगवान ने कलयुग में चैतन्य रूप धारण किया, गौर गौरांग बन के महाप्रभु आए कि इस अवतार में मैं मनुष्य बनूंगा और जो मैंने किया वो हर कोई कर सकता। और महाप्रभु ने बस भगवान के नाम के गान में रुचि करो, बस यही आज्ञा दी। गौरांग भजने से क्या होगा? बोले होए दुखे रो अवशान, समस्त दुखों का नाश जो श्री गौर हरि को भजेगा, जो श्री गौर हरि की आज्ञा का पालन करेगा। और गौर हरि की आज्ञा क्या है? क्या है? बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ, भोग प्रसादी खाओ और हरि नाम का जाप करो, हरि नाम संकीर्तन। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु ने एक ही आदेश दिया है कि कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन की विजय हो, विजय हो, विजय। और करके भी दिखाया महाप्रभु, ऐसे नहीं बस आज्ञा ही आज्ञा दे रहे, उन्होंने स्वयं संकीर्तन यात्रा, संकीर्तन की धारा को सारे जगत में फैलाया। और महाप्रभु को भजने वाले जो लोग होते वो उनका भी यही काम होता है कि भैया सारे विश्व में भगवान नाम संकीर्तन, नाम का प्रचार। इसलिए हम करते भागवत जी हैं, पर हमने भागवत जी की इस यात्रा को नाम भी संकीर्तन यात्रा ही दिया है। बोलेंगे जो भगवत कृपा से ठाकुर जी बुलवाएंगे, पर उद्देश्य इसका भी संकीर्तन ही है। कथा सुनो, संकीर्तन करो, मतलब हरिनाम करो, यही भागवत जी का सार है। इसलिए पूरे बड़े बड़े अक्षरों में भागवत जी के सामने व्यासपीठ पर लिखा है संकीर्तन यात्रा, कि तुम ना भी सुन समझ पाओ
ना भी हमारी बात को पल्ले पड़े कोई बात, तो जो सामने लिखा है इसको समझ जाओ, संकीर्तन करो बस। इस संकीर्तन के द्वारा ही कल्याण होगा और यही श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा और आदेश। तो श्री व्यास जी भागवत की रचना करते हुए, भागवत की शुभारंभ, भागवत का आरंभ करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान की इस जो वांगमयी मूर्ति भागवत जी, ये कहाँ से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, उसका वर्णन कराते हैं कि ये संसार में एक देन है। जैसे पेड़ बीज बो फिर फल उस पर लगता है, वैसे वेद शास्त्रों का बीज बोया गया और उस पर उसका फल लगा श्रीमद् भागवत। और भैया देखो, रस पेड़ में नहीं होता, रस तो फल में होता है। भले ही भागवत जी वेदों से निकली हैं, पर वेद रूपी वृक्ष पर भागवत जी फल है, इसलिए भागवत जी रसमयी है। वेद भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन वेद सबको गम्य नहीं हो पाते, इसलिए श्री व्यास जी ने भागवत की रचना करी। इसको हर कोई पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, जीवन में उतार सकता है, इसलिए भागवत जी की रचना करी गई।